हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइमा अजीज की तरफ से आप सभी को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू फर्स्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन फिनलैंड, जिसे हम DVV डिजिटल वेरिफिकेशन या फिर पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। फिनलैंड में आने के बाद ये सबसे पहला गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इस प्रोसेस के कंफर्मेशन के बिना घर रेंट पे नहीं ले सकते हैं, मोबाइल कनेक्शन, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बैंकिंग प्रोसेस, टैक्स प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आगे आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस में हमारे रेजिडेंशियल परमिट कार्ड पे जो एक नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसे हम SSN नंबर भी कहते हैं, उस नंबर को ऑथेंटिकेट करवाना होता है पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है DVV ऑफिस में। अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम DVV.FI एक साइट है, इस पे जाके अपना SSN नंबर यूज़ करके इजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट की क्यू काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आपका ट्रैवल शेड्यूल प्लान हो जाए फिनलैंड आने से पहले ही, आप जिस भी कंट्री में हो, मैंने ऐसा ही किया था, मैंने इंडिया से ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, क्योंकि आपके पास SSN नंबर होता है, आपका रेजिडेंशियल परमिट कार्ड मिल चुका होता है, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट जितनी लेट का मिलेगा आपको बाकी सारे प्रोसेस करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एक और बात, जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो आपको किसी भी सिटी में मिल सकता है। मैं हेलसिंकी में थी, मैं हेलसिंकी में आई, मैं यहीं रह रही हूँ, बट मुझे जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे मिला था वो मुझे पूर्वो सिटी का मिला था, लेकिन मैंने रेगुलर साइट पे विजिट किया, रेगुलर चेक करने के बाद मुझे हेलसिंकी में ही फिनलैंड आने के 2 दिन के बाद का ही अपॉइंटमेंट मिल गया, तो मैंने ये अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करा लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी इजी होता है ये। DVV अपॉइंटमेंट आपको मिल चुका है, अब आप डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिस में विजिट करें। जब आप DVV प्रोसेस के लिए जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आपके साथ कैरी करना होता है, क्योंकि बिना इस डॉक्यूमेंट्स के आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंशियल परमिट कार्ड, अगर आप मैरिड हैं, फैमिली के साथ आए हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट्स, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, आप जिस कंपनी के थ्रू आए हैं, वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, ये सब कुछ आपको लेके DVV ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पे चेक करेंगे और इनकी फ़ोटोकॉपी वो अपने पास रख लेंगे। फ़ोटोकॉपी आपको लेके नहीं जाना है, वो वहाँ पे खुद जीरोक्स निकाल लेंगे, वो ले लेते हैं खुद से ही, और आपका ओरिजिनल पेपर आपको रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद इस सारे प्रोसेस में 8 to 10 days लगता है। आफ्टर 8 to 10 days आपको मेल या मैसेज के थ्रू इस ऑथेंटिकेशन का कंफर्मेशन आ जाता है। आप जब वहाँ पे अपनी डिटेल्स देते हैं, नेम एंड ऑल, आपको वहाँ पे एक फॉर्म में फिल करना पड़ता है, वहाँ पे आपको अपना एड्रेस भी देना होता है, तो जो भी आपका टेम्प्ररी एड्रेस है वो आप वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि आपके एड्रेस पे भी एक लेटर आता है जो कि कंफर्मेशन का लेटर होता है कि आपका जो DVV प्रोसेस है वो कन्फर्म हो चुका है। तो बस ये छोटा सा एक प्रोसेस है जो कि बहुत काम का है, इसके बिना आप आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इजीली कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फिनिश ID कार्ड आप कैसे बनाएंगे, क्यों ज़रूरी होता है वो, यहाँ के गवर्नमेंट बेनिफिट्स, केला बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो मैंने किए हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब मैं आपके साथ आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।